भी क्लोज टू हंड्रेड करोड़ का सीजर हुआ और इस बार भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कहके है आए हैं कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर सो इफ वी नाउ कम टू दी चेन के फर्स्ट देर आर टोटल नाइंटी असेंबली ऑफ विच सेवेंटी फोर आर जनरल एस सी आर सेवन एंड एस सी आर सिक्स एस टी आर नाइन एंड एस सी कॉन्स्टिट्य डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो जे एंड के में टोटल एटी सेवन पॉइंट जीरो नाइन लैख इलेक्टर्स होंगे जिसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट इक्वल फोर्टी फोर पॉइंट फोर सिक्स लैक्स मेल और फोर्टी टू पॉइंट सिक्स टू लैक्स फीमेल वोटर्स होंगे बड़ी अच्छी स्टोरी यह भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शन में इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड सेवन लैक्स और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो ट्वेंटी लैक्स एंड अब यूथ एंड वी वांट टू फोकस ऑन यूथ एज आर एम्बेसिडर्स ऑफ एज एम्बेसिडर्स ऑफ आर इलेक्शंस रोल इलेक्ट्रल रूल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही आ, मौसम थोड़ा ठीक हो जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो तो आप देखेंगे ये कॉन्फिडेंस नहीं है 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी

जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर दो या तीन भी बूथ हो सकते हैं तो टोटल लोकेशंस वुड बी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड और लोकल रूरल एरिया में अराउंड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बूथ होंगे सो इट्स ए इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एस एरिया एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड सेवन थर्टी फाइव और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी विमेन मैनेज पीडब्ल्यू डी मैनेज और और, और मॉडल पीएस बनाएंगे वैसे तो इंस्ट्रक्शन हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाए लेकिन तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है वो करीब करीब 360 होंगे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन वहां किस प्रकार के हैं नायाब हैं जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है 100% परसेंट एस टी पॉपुलेशन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट दॉर्डर एंड यू विल बिलीव दर्न आउट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एट्टी परसेंट सो बिल्कुल सरहद पर है और एट्टी परसेंट पॉपुलेशन है ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू क्लिम्सिस अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बया करता है जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी एच में हम आपको लोड करेंगे वहां पर आप जब चाहे जब उस स्टॉक को देख सकते हैं यूज कर सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाते है सिर्फ तीन लोगों सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शन चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शन तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ट कर रहे हैं देवर एक्शन ओवर एपैथी लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता कैसे होगा जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस द लॉन्ग क्यू द शाइन ऑन देयर देयर फेसेस वर टेस्टामेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग वाज अ बिलीफ ओवर सिनिसिज्म देयर वाज थ्राइविंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन एंटायर इलेक्शन देयर वाज इंटेंस कैंपेनिंग दीज आर द पॉजिटिव्स अ बिट ऑफ चेंज इन दि सिक्योरिटी सिनेरियो आल्सो सिंस देन सो वॉट डू वी वॉन्ट वी वॉन्ट दैट द लेर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर स्ट्रेंथ इन जे एंड के वॉट डज दैट मीन एक्चुअली ये मतदाता बढ़ गए ये एक आस्पेक्ट है परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज दिस इज वन आस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट बने दिस इज अनदर आस्पेक्ट ये अलग आयाम है लोगों की इच्छा है कि वो पार्टिसिपेट करें कितने लोगों ने रैलीज निकाली कितना प्रोसेशन हुए कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई कितने लोगों ने सी विजिल कितने लोगों ने सुविधा से uh, दी। ऑल दीज आर एस्टेब्लिशिंग रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन दी इन दी जे एंड के एंड एक्सपेक्ट दैट दे वुड बी मोर वोटर्स दिस टाइम अगेन और ये ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट पड़ेंगे वीमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए बिना डर के होनी चाहिए फेस्टिव एनवायरमेंट मोर यूथ पार्टिसिपेशन मोर कैंडिडेट्स मोर यूज ऑफ आई एंड वाइब्रेंट पोलिंग स्टेशन सो भी

ट टू दूथ ऑफ जे एंड के सुनाता हूँ आपको यूथ लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकस जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी दिस इज एंड बिलीव मी बिलीव मी ऑल ऑफ अस देयर वी बिलीव इन दिस एंड वेरी बोल्ड स्टेटमेंट दैट कम व्हाट मे इलेक्शंस इन जे एंड के वुड बी वेरी वेरी डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स कमिंग टू हरियाणा वी अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा हरियाणा में जो टोटल सत्रह अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में दो करोड़ पॉइंट वन लाख इलेक्टर्स हैं जिसमें वन पॉइंट जीरो सिक्स करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या पचानवे लाख है थर्ड जेंडर 1.50 पॉइंट पीडब्ल्यूडी लैख पीडब्ल्यू और 2.54 पॉइंट हमारे 85 फाइव एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्थ हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं उन सबको हमारा नमन और वो सब वोट देने आए इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे हरियाणा का इलेक्ट्रल रूल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर जे एंड के इलेक्ट्रल रूल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहाँ 27 को सबको कॉपीज मिल जाएंगी पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा पोलिंग uh, स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में बीस हजार छह सौ उनतीस पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन तो आधी होंगी यानी दस हजार पांच सौ के करीब चार सौ पचानवे टू बी प्रसाइज यानी एक जगह पर दो दो बूथ या तीन बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं अर्बन एरियाज में सात हजार के लगभग और रूरल एरियाज में तेरह हजार के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे यहां भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यू डी वीमेन मैनेज बोर्ड्स बनाएंगे और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं सिलम एरियाज में स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज उनमें भी पोलिंग स्टेशन बना है तो हरियाणा में आ, इन पर्टिकुलर गुड़गांव फरीदाबाद और सोनीपत इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी uh, स्टोरी में शिफ्ट किया और वहां की जितनी स्लमस हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग uh, के परसेंटेज भी बढ़ सके तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं दिस इज वन वन वे ऑफ हैंडलिंग द सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन द इलेक्शंस नॉट टू रिपीट बट All polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds. और अब की बार shed की इतनी जरूरत शायद ना पड़े मौसम अच्छा है। जो पिछले चुनावों में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं हो। Inclusive एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है वो मिलेगा और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं सो देट दे कैन शीड फॉर देर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी uh, तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप एंड दी ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटेशंस टू देम एट दैट प्लेस सो इज ट्रू फॉर आर वोटर्स having a persons with disabilities टेक्नोलॉजी एज यू ऑल नो इज वेरी डीप रूटेड इन द इंडियन इलेक्शंस। वी विल कंटिन्यू टू यूज वोटर हेल्पलाइन सी विजिल सुविधा ऑल ऑफ़ दिस यू आर कैंडिडेट्स की अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो लगातार वेबसाइट पे केवाईसी, वाई सी नो योर कैंडिडेट एप पर उपलब्ध रहेगा कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन एज यू नो दैट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वी है सीजर ऑफ क्लोज टू टेन थाउजेंड करोर्स एंड स्पेशली मोर सो ऑफ ड्रग्स लीकर दैट सेम रिगर रादर विद रिन्यूड एम्फेसिस विल कॉन्टिन्यू एंड जिस दिन हम जे के गए थे उस दिन सबसे बात की सबको थोड़ा ताकीद किया और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही सो प्रोसेस विल कंटिन्यू मैनेज ऑफ ड्रग्स इन ऑफ़ दीज टू स्टेट्स जे एंड के हरियाणा वुड बी सीवियरली डेल्ट विद एंड सिमिलरली लिकर सभी पोलिंग स्टेशन पे इस बार हमने हंड्रेड परसेंट सीसीटीवी की व्यवस्था की है और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपात पूर्ण रवैया कर रहे हैं तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट

इक्विप्ड टू हैंडल सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें जे एंड के में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल uh, रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई है एंड वी विल इन्श्योर That all candidates get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies. And we will provide equal, I mean, sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very uh, what should I say? After after long gap, the elections are due and going to be held in uh, J&K and uh, in time in Haryana. Or uh, एक अच्छी चीज है इस बार इस समय में अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है एप्पल का भी सीजन है जैसमीन का भी सीजन है सेफ्रॉन का भी सीजन है शिकारा भी है ट्यूलिप भी है और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की है उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है और हरियाणा एज यू ऑल नो इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स ऑल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक्स और ऑलमोस्ट इट्स इ नेशनल प्राइड इट्स 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 अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड सूरज कुंड का मेला भी है पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है और ब्यूटीफुल राग एंड भी है हरियाणा में जिनका डेमोक्रेटिक uh, फेस्टिवल में लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा ऐसी हमारी उम्मीद है वी मेड ए प्रोमिस टू यू दैट ऑन थर्ड ऑफ जून वेन वी सेट वी लर्न टू थिंग्स सो वी मेड ए प्रोमिस दैट We will, keep, uh, we will keep the election period short. So in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter uh, electioneering period and in the best uh, possible and conducive environment. Elections in JNK will be held uh, in three phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were five. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, the scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September. And it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping uh, Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase three, nomination on 5th of September. And every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, bind up on 6th of October. Uh, we can show you the map also. It's the, it's the, how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of, uh, uh, किश्तवार रामबन डोडा ऑन द ऑन दिस साइड जम्मू साइड एंड अनंतनाग फुला शोफिया एंड कुलगाव ऑन द इन दैली द सेकेंड फेज बुडबी गंदरबल श्रीनगर बडगांव ऑन द वैली इन दैली साइड एंड ऑन दम्मू साइड पूंछ राजौरी एंड रियासी एंड देन the forces move up. So, North Kashmir in uh, the upper regions and also the Jammu and Udhampur, Samba and Zikwepa, Katwa region. This is what would be the schedule there. Uh, if we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the uh, the third phase of jnk nomination being on 5th of september. last date of making nomination on 12th of september. date of full 1st october and date of counting coinciding with jnk on 4th of october. everything to be over on 6th of october. Right. so friends and through you we appeal to all the voters of uh, Haryana and JNK to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now, we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please. Please please. introduce yourself also. Yes, please. Sir, मेरा नाम कमाल है। मैं कश्मीर के, गुलिस्तान और के चैनल से हूँ मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायसड हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा और दूसरा ये अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके मतलब कि वो सुरक्षित हैं महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले प्लीज गिव द माइक टू मीडिया पर्सन इन शर्ट। मैं संजय शर्मा हूँ आज तक से मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है 26 नवंबर अक्टूबर नवंबर को तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में। बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी माइक पर्सन बहुत ही आसान तो तो हेलो सर नीरज हूं न्यूज एट इंडिया से हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी है वो कितनी बड़ी चुनौती है और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर विल टेक मोर क्वेश्चन प्लीज गिव दर्सन दी लास्ट उधर चले जाइए जल्दी चले जाइए आप प्लीज हेलो सर मैं गौरव श्रीवास्तव हूं टाइम्स नेटवर्क से uh, सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां तो खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है आपने कहा है कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सके खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि सर जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए एक अधिकारियों के उसमें राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कही न कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर की जो तरीके जिस तरीके से हुए वो कही न कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं so पहले लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूँ एंड पोस्टिंग्स आज सुबह में हुई है तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी बट एनीवे anyway, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और चार डीसीज़ हैं बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा इनरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर भी हो ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए विल बी एब्सुलटली क्लियर इन आर रिजोल्ट टू इंश्योर दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियुटली इम्पार्शल विदाउट इवन वन चिंज बीयर एंड देयर अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी उन्नीस तारीख को हमने पूरा असेसमेंट uh, होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेज अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी स्ट्रेंथन की जाएंगी जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी लेकिन जो तो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे मैंने पहले भी कहा जैसे मैंने कहा ना दुनिया देखे नापाक इरादों की ना के के शिकस्त की कहानी फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसकी उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे बट नंदील सफिशियंट forces will remain to deal with any eventuality whatever comes on the way security threats to the candidates to the districts to other vulnerable uh, positions or uh, areas would be thoroughly under radar of the uh, मुद्दा एक ही है मुद्दा यह है कि जो दो हजार चौबीस के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए ये ही रिजोल्व है महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे तीन नवंबर हरियाणा की डेट है तो छब्बीस नवंबर महाराष्ट्र की डेट है राइट right. उस समय में जे एंड हैव गॉन लिटिल लेटर दिस टाइम देर आर फोर इलेक्शन इन दिस ईयर एंड फिफ्थ इलेक्शन जस्ट इमिजिएटली आफ्टर दिस दैट इज टू स्टार्ट विथ जे एंड के हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड एंड दिल्ली। सो डिपेंडिंग ऑन दसेस रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्सेज व्हिच इज एज ए हायर टोन इन जेएनके। हमने दो और दो हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब जेएनके अनाउंस करें और जेएनके चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या है अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी बी एल का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल पितृपक्ष नवरात्रि दिवाली ऑल दैट पुट टुगेदर दिस इज व्हाट वी थॉट दैट वी कैन हैंडल as two elections at a time so therefore we decided to go this and in any case it is within six months of the schedule of the of the term of the assembly which is ending i think i have answered all yes sir. next please give the mic to the lady in the third row थर्ड रो थर्ड रो थोड़ा जल्दी लेके जाइए माइक प्लीज, okay. माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, सर द सुप्रीम कोर्ट set a September डेडलाइन फॉर कंडक्टिंग conducting इन polls in के Is there any particular reason that, uh, that you are going a day beyond? Okay. Please give the mic to the person in the first row, purple shirt. Namaskar, sir. I am Pradeep Kumar Total News. I have two questions, sir. After a long period of time in Jammu and Kashmir, the elections are voting काफी वक्त लगा है आपको यहां तक पहुंचने में इसकी क्या बड़ी वजह रही और दूसरा सवाल है सर हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी जो बैठक हुई थी राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है दूसरा हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहां पर होना है तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें

शांतिपूर्ण चुनाव कराना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पर कर पाए बिना किसी फियर के कर पाए क्वेश्चन फ्रॉम देअ सर मैं अरविंद हूँ मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से सर मेरा सवाल है आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में एक आपने आ, एम, कई एम की बात की थी एक उसमें फेक नैरेटिव था इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है लेडी थर्ड रो फर्स्ट लेडी थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा आप आगे आ जाइए सर मैं पूनम ओके 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 वेलकम सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है तो उससे निपटने के लिए क्या होगा क्या जो पर्यवेक्षक है वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाएगा जाए नौलेटमी आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट अबाउटी सेप्टेम्बर 19 अगस्त uh, को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी फोर्थ सिक्स जून को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं उसके बाद वेदर उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा देर इज नो वे वन कुड गॉन एग्जैक्टली ऑन द डेट विच इज नाइनटीन वी आर नॉट गिविंग इवन हाफ ए डे वेन स्टार्ट and it is well begun within uh, the time period and it will be finished in the time so it's not uh, a day here and there which really is important what is important is that we go by the spirit and it is not only the as i as i mentioned in jammu the amendments to the J&K Reorganization act in terms of providing the reservations came in december 2023 so the period started taking for the commission to start it only in december 23 thereafter came the parliamentary election so we are not delayed at all asar haryana ka kya hoga mein delhi mein isse koi वो ना हमारा ये कार्य है वो कैसे किस राजनीतिक क्रम पे फर्क पड़ेगा जो आपका प्रश्न है वो हमारे दखल अंदाजी में नहीं है हमारे रेमिट में नहीं है जम्मू में जो मुठभेड़ के बारे में आपने पूछा आपने कहा वो बड़ा चैलेंज है चैलेंज लेने के लिए आवाम तैयार है मैंने बार बार कहा और उसको पूरा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी फोर्सेस की उतनी दी जाएगी उससे ज्यादा दी जाएगी लेकिन नहीं है कि चुनाव का समय आए कोई थोड़ी बढ़े, और आप पीछे हट जाए और फिर आप चुनाव के समय जाए फिर पीछे हट जाए ऐसा नहीं हो सकता सो वी आर ऑलरेडी फॉर फेसिंग चैलेंज। सिक्योरिटी कवर आई एल अगेन रिपीट टू देंडिडेट्स टू दी टू बी वुड बी प्रोवाइडेड एज असिस्ट बाई द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स ऑफ कोर्स इज वन मेजर एरिया हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं उसका एन्फोर्समेंट करते हैं उसको रोकते हैं ये हमारा रेगुलर वो नहीं है बट अभी रियली फील आफ्टर आर रिव्यूज इन एवरी स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम आई मीन आई डोट वॉन्ट टू नेम दैम बट एवरी स्टेट वी विजिटेड स्टार्टिंग फ्रॉम मिजोरम टू नॉर्थ ईस्ट टू आंध्रा टू एनी स्टेट हरियाणा पंजाब जे एंड के ट्रक इज रियली मैनेस और यूथ पॉपुलेशन इज रियली गेटिंग इन टू दिस हैबिट, और इस को रोकना चाहिए हमने अपनी तरफ से पिछले 2023 में करीब इफ आई रिमेंबर करेक्टली 11 असेंबली इलेक्शन हुए थे सब में खास तौर से इस पर ध्यान दिया था और ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स Control. Noida, mein factory, thi Gujarat, mein factory, thi. I can recall large number of them, and so was the case in the parliamentary elections. Hum apni continue rakhenge. because kahin na kahe, drugs se judi bhi money. If one establishes forward and backward linkages, it goes to financing illegal activities, including elections. So we will be very very strict, and hopefully uh, this time also administration, all forces will keep strict watch on the uh, misuse and menace of drug, be it storage, be it transit, be it consumption, all the three. thank you. Sir. Hmm. एक सेकेंड एक वन बाय वन कमिंग टू उनसे पूछिए पहले एक उनका एक माइक उनको दे दीजिए पहले सर मैं बोल रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स सर पोस्टल वोटों का काउंटिंग जो होता है उसमें क्या होता है मुझे तो बाहर से पता नहीं लगता है लेकिन एवरी टाइम इट इज डिस्क्रिपेंसीज होता है जहां तक तो मेरे ख्याल पे सो दिस टाइम पर इस टाइम ये अभी दो इलेक्शन जो है स्टेट का इस आप बताइए उसमें पोस्टल वोटों का क्या है? मतलब उसका मतलब ये होंगे ठीक है थैंक यू बाई इलेक्शन पोस्टल बैलेट नैन उनको दे दीजिए प्लीज फिफ्थ टाइम लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन सर इधर से राजीव सर सर मैं न्यूज ट्वेंटी फोर से हूँ ऋषिकेश कुमार सर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाति की एंट्री हो गई और लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जो डिप्लॉयमेंट हो ऑब्जर्वर की और वहां से मांग की गई तो क्या ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उस तरीके की बातें होंगी और दूसरा सर कि ये जो बाई इलेक्शन को लेकर है उत्तर प्रदेश में पोलिटिकल पार्टियां कह रही है कि वहां के बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं ठीक है अंकिल बता देता हूँ क्वेश्चन सर यस बाई इलेक्शन कितने हैं इतने फोर्टी सेवन टोटल फोर्टी सेवन बाई इलेक्शन ड्यू है एनवायरमेंट so, और ये वेदर की कंडीशन ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शन नहीं हो सकते उसमें फोर्टी सिक्स एंड वन पार्लियामेंट फोर्टी सिक्स एमएलएस के इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है तो हम सबको एक ही साथ कराएंगे एंड वेल विद इन सिक्स मंथ्स कराएंगे जस्ट वेटिंग फॉर वेदर कंडीशंस टू इंप्रूव लेट पीपल सेटल इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेट डिजास्टर एंड दफ्ता विच एज कम ऑन दीपल लेट दम हैव समीदिंग टाइम वी विल डू ऑल दीज इलेक्शन एट ए टाइम सो दिया पहले उसको कर दिया ये भी सवाल ना फिर आप लोग पूछने लग जाए सबको एक साथ करेंगे मोस्ट uh, लाइकलीफ के बारे में क्या बताना है वो मैंने कहा हम तैयार हैं थोड़ा बेटर तैयार हैं अब थोड़ा बेटर समझते हैं कि किस तरीके से हिडन एक्चुअली ये फिफ्थ एम आपने मुझे प्रॉम्प्ट किया इसके बारे में बात करने के लिए दिस इज नॉट ओनली इंडिया लुक एट दिस फिफ्थ एम विच इज विच इज मेकिंग गवर्नेंस इलेक्शन डिफिकल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लुक एट द डिजाइन लुक एट दैटर्नस विच क्रिएट रेटिव एंड ट्राई टू एक्सप्लोयड दाइन्स ये इसका एक ही इलाज है और जो हमारे केस में बहुत ही सुदृढ़ इलाज है हमारा वोटर इतना सशक्त है इतना जागरूक है कि असेंशियली सब लोग समझते हैं उस बात को और वो उससे बिल्कुल स्वयं नहीं होते आपने किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं देखा होगा कि किसी भी किसी भी इस तरीके की चीज से लोग इफेक्टेड हुए पीपल पार्टिसिपेटेड एंड दैट्स व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ यह और भी एक तरीके से नजर आती है इस बार अगर आप देखें कितने फिफ्थ एम थे लेकिन अगर आप इलेक्शन पिटिशन का नंबर देखें बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है कैंडिडेट के पास में किसी भी वोटर के पास में अगर कोई चीज उनको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत दिखाई देती है प्लीज चैलेंज इट इन द इलेक्शन पिटिशन विज द लॉ प्रोविजन टू विदिन कितनी हुई है नितेश? 79. 79. और उसमें कहीं जो फिफ्थ एम के नेरेटिव थे वो कहीं चैलेंज में नहीं है बाई लार्ज सो वी आर वेल इक्विप्ड वी हैव लर्नड वी टाइम

एक्ट में रेगुलेशन में प्रोवाइडेड है वो काउंटिंग होने से पहले आठ बजे शुरू होते हैं ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान शुरू हुए थे होते रहेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थैंक ऑल द मीडिया पर्सन फॉर बींगेयर वी हैव टी अरेज फॉर यू काइंडली ज्वाइन थैंक यू सो मच The presentation copy and the maps have been shared in the reporters' group, and all these slides have also been shared on our social media handle. Thank you.